ये देखिए यहाँ पे खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई है। अब आपको सनसेट दिखाते हैं, देखिए। निमृत का आ चुका है ऑमलेट, जो कि बिना मिर्च के मंगवाया था, साथ में उन्होंने सैलड में दे दी ब्रेकफास्ट में, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करते बहुत ही अच्छे होंगे। आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा हुआ था, मैंने दिखाया था पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हम चढ़ गए थे, तो वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है ब्लॉग। तो ये देखिए वही अभी एक्सप्रेस वे चल रहा है सामने, इतना प्यारा एक्सप्रेस वे है। तो करीब करीब अभी 260 किलोमीटर और ड्राइव करना है हमें, ये बनारस के आसपास जाके ख़त्म होगा पूर्वांचल। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस गाड़ी यहाँ वेंटो को चलाने में, यहाँ पे बहुत टाइम बाद में वेंटो को लेके आया हूँ, वैसे भी नहीं तो लोकली घुमाता हूँ, पर अच्छी चल रही है गाड़ी एकदम, बहुत अच्छा। मतलब एक तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो कम्फर्ट बहुत अच्छा है एक तो इसका, और ये निमृत वगैरह भी खाना खा कर दोबारा सोने की तैयारी कर रहा है, और ये स्नेहा है, इसने भी खाना वाना खा के पहले पीछे सो रही थी, अब आगे आके बैठ गई है। तो अब चल रहे हैं, अभी आजमगढ़ वगैरह आएगा, काफ़ी शहर आएंगे, फिर बनारस में जाके ये ख़त्म होगा, तो आपको दिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ से जाएंगे वो शहर दिखाते रहेंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। ये देखिए यहाँ पे खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई है, ठीक है, ये भयंकर ट्रक वाले से हुई है ऑन द स्पॉट। भाई देखिए ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए हैं, पूरी गाड़ी को चुमर हो गई है, भयंकर ही एक्सीडेंट हो रखा है, खतरनाक वाला। वो तो बॉडी उठा रहे थे, मतलब डेथ है एकदम, बचा नहीं कोई भी उसमें, कचुमर बन गई गाड़ी। दोस्तों अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया था, एक्चुअली हमने अपना फेस वॉश वगैरह किया है और थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए हैं, क्योंकि बहुत खाना खा के नींद आ रही थी अजीब सी। तो पेट्रोल पंप है मेरे पीछे, देख रहे होंगे कि सामने स्नैक्स काउंटर है, देख ही रहे होंगे आप। तो हमने यहाँ से ली है चाय, और इन्होंने ली है मिनट मेड, मिनट मेड वगैरह पी रहे हैं हम, चाय पी रहे हैं क्योंकि नींद खोलनी है। वैसे मुँह धो के फ्रेश हो गए हैं, तो अब यहाँ से ये करीब करीब 180 किलोमीटर का और रह गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिस पर हम चल रहे हैं अभी, उसका भी एंड हो जाएगा, फिर बनारस के लिए हम निकल जाएंगे, वहाँ से 50 किलोमीटर और रह जाएगा। बाकी मौसम यहाँ का अभी नॉर्मल ही है, हमारी तरफ तो ठंड शुरू हो गई शाम के टाइम, यहाँ नॉर्मल है, मतलब ना गर्मी ना ठंड है, नॉर्मल है टेम्परेचर, ठीक है, दिन में गर्मी थी पर अभी ठीक है। चाय अच्छी बना रखी है, ये छोटा सा कप है, इसकी कीमत 10 रुपये है, तो काफ़ी अच्छा मतलब प्राइस रखा हुआ है। यहाँ जगह जगह मतलब कुछ किलोमीटर पे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे साइड में वो दे रखे हैं, मतलब खाने पीने स्नैक्स काउंटर वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह जिसको जाना हो तो अलग से दे रखे हैं, कुछ 10-15 किलोमीटर के बाद। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बाकी मज़ा आ रहा है चाय पी के, और नींद एकदम खुल गई है, फ्रेश हो गए हैं, अब गाड़ी खींचेंगे पूरे 180 किलोमीटर। हाँ 8:30-9 बज जाएंगे, पहुँचते बनारस, देखते कितना टाइम लगता है। बाकी थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे फटाफट यहाँ से। दोस्तों हम निकल गए थे, और निकलते निकलते हमने देखा कि सनसेट हो रहा है, मैंने कहा आपको दिखा देते हैं सनराइज़, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अब तो आपको सनसेट दिखाते हैं, देखिए। देखा गाइस कितना खूबसूरत हो रहा है सनसेट, बेहतरीन लग रहा है, एकदम रेड हो गया है। चलिए अब आगे की तरफ चल रहे हैं, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आपको। अभी एक और ब्रेक लिया है, हमें बनारस गए नहीं, बनारस के बाहर ही बाहर आ गए हैं, तो अभी तेल भरवाने के लिए हमें सेकंड फ्यूल अप करा रहे हैं, हम बिहार में एंटर होने वाले हैं, यूपी के बॉर्डर में ही है। क्योंकि यहाँ पे तेल देख ही रहोगे अब क्या चल रहा है, 90 हम सेम है तेल हमारा, 90.01 है या 90.00 है, तो सेम ही तेल है, तभी इसको फुल कराते टंकी को। और यहाँ के रास्ते बड़े ख़तरनाक है, हाईवे तो है ही नहीं नामों का नाम, सिंगल रोड है यूपी में, बिहार में हम यहाँ हाईवे आगे हाईवे वगैरह नहीं है, डबल है। कहाँ जा रहा है? हम तो ऐसे उड़ीसा जा रहे हैं। उड़ीसा जा रहे हैं, मतलब ये हाईवे डबल लेन आएगी। होटल मिल जाएंगे वहाँ पे भैया? हाँ भैया ने बताया कि आगे 15-20 किलोमीटर आगे डबल लेन हो जाएगी, काफ़ी देर से चल रहा है, सिंगल लेन चल रही है, और गड्ढे इतने ज़्यादा है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से थोड़ी नीची गाड़ी भी है, तभी हम तेल वगैरह भरवा रहे हैं। 43 पे कट ऑफ हो गया था, 43.00 पे कट ऑफ हो गया था, तो 45 लीटर तेल डाला है, तो इसको 4100 कर देंगे, 41 कर दीजिए भैया। भाई ये देखिए कितना खतरनाक गाँव सा है इस टाइम, खतरनाक गाँव से जा रहे हैं, ये मैं ये यूपी का आखिरी बॉर्डर है, बिहार शुरू होने वाला है, देख ही रहे होंगे लोग वगैरह कैसे बाहर घूम रहे हैं, तो
प्रॉपर गांव ही है। कैसे कैसे हाईवे में से जाना पड़ रहा है हमें रात के समय। ये नेशनल हाईवे है जबकि मैप में दिखा रहा है NH24। और ये ब्रेकर्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, जगह जगह ब्रेकर्स हैं, ऊँचे ऊँचे, गाड़ी भी नीचे लग रही है। बाकी भैया ने बताया था अभी 30-35 किलोमीटर आगे से हाईवे मिल जाएगा हमें, बस वही इंतज़ार कर रहे हैं उसको मिल जाए सही रोड और होटल भी मिल जाए बढ़िया सा, कहीं अच्छी जगह जहाँ रात को गुजार सके हम। मुझे यहाँ कहीं भी होटल नहीं दिख रहा, पूरा प्रॉपर गांव ही है, देहात जिसे कहते हैं वो चीज़ है। तो होटल का तो नाम बहुत दूर दूर की बात है, नाम सोचना भी यहाँ दिख ही नहीं रहा कुछ। दोस्तों अभी हमने ब्रेक लिया था, टाइम हो गया है इस टाइम 5:10 हो गए हैं और जो टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है वो 870 किलोमीटर दिखा रहा है उड़ीसा का, मतलब पूरी का। वो भूख लगने लगी निमृत को, तो अब खाना वगैरह खा रहे हैं। खाने में है चिल्ली पनीर ले आता और पराठे थे। इसके बाद थोड़ी देर और गाड़ी चलाएंगे, फिर कहीं होटल ले लेंगे, फिर रात का स्टे करके सुबह सुबह निकल जाएंगे वापस। हमने होटल ले लिया था, करीब करीब अब पूरे 800 किलोमीटर रह गया है यहाँ से उड़ीसा। तो रास्ते में हमें होटल दिख गया था तो हमने लिया, नॉर्मल सा होटल है, नॉन एसी लिया क्योंकि ठंडा मौसम, एसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो कॉस्टिंग पड़ी वो बार्गेनिंग करने के बाद 800 रुपये दिया है। तो बेसिक सा रूम है, देख ही होंगे आप, ये ऐसे कमरा है, इंडियन स्टाइल है, इंडियन है। मतलब रात गुजारनी है बस, सुबह 7 बजे वापस निकल जाना है क्योंकि कल भी 800 किलोमीटर ड्राइव करना है। आज हमने 1000 किलोमीटर ड्राइव करी है तो कल हमें 800 करनी है, तो कल भी हमें कम से 15-16 घंटे लगने वाले हैं, इसलिए जल्दी निकलेंगे 7 बजे। नीचे रेस्टोरेंट है इनका, वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो वहीं से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। चलिए फिर आपको सुबह मिलते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और नए दिन की शुरुआत हो गई है। आपने देखा होगा अभी दिखाया था हमने लास्ट में कि रूम लिया था रात में, तो बस अभी नीचे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ये निमृत भी तैयार हो चुका है, नहा धो के रेडी है, स्नेहा भी नहा धो के है, बस तैयार हो रही है। तो बस हम नीचे निकल रेस्टोरेंट में चल के दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी सामान वगैरह रखते हैं गाड़ी में पहले, उसके बाद सीधे नीचे ब्रेकफास्ट करके सीधा निकल जाएंगे। अभी 800 किलोमीटर है तो कभी कभी 15-16 घंटे में आज भी ड्राइव करनी है। बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टाइम कवर करेंगे क्योंकि 15-16 घंटे बहुत होते हैं। कल भी हमने अप्रॉक्स 15-16 घंटे गाड़ी चलाई है, इसमें 1000 किलोमीटर कवर करें, वो तो हाईवे था इसलिए कवर हो गए। इधर पता नहीं शायद दिखा रहा है 15-16 किलोमीटर गूगल मैप्स, इसका मतलब रोड इतनी अच्छी नहीं होगी। दोस्तों हम निकल चुके हैं, हमने सोचा ब्रेकफास्ट करेंगे, भयंकर भीड़ हो रही, पूरा पैक चल रहा है, जगह नहीं थी टेबल नहीं थी, मतलब रात में तो लग रहा था खाली है, पर इस टाइम पूरा पैक चल रहा है, मतलब काफ़ी चलता है रेस्टोरेंट, तो इसलिए जगह नहीं मिली हमें। सोचा कि आगे कर लेंगे, वैसे भी अभी 8 ही बज रहे हैं, 9 बजे करीब कर लेंगे ब्रेकफास्ट कहीं अच्छी जगह देख के, खाली जगह। तो ये लोग इसने अभी तैयार होकर बैठ गए एक बार और। ये निमृत अभी से आया, लेट गया पहले फैल के, जो कोई काम नहीं है। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी हमने एक ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि घर वहाँ से चले वहाँ तो बहुत भीड़ थी। अभी यहाँ पे ब्रेक लिया है, कुछ रेस्टोरेंट है देख ही रहोगे आप, बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट मिला है खोजने पे। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है नाश्ते में, वो खाते हैं और फिर यहाँ से एक ही बार लंबी गाड़ी खींचेंगे लंच, फिर सीधा लंच के लिए रुकेंगे 2 बजे। और बाकी सड़कें इतनी खास है नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है, बीच में गड्ढे बहुत हैं यहाँ पे। चलिए फिर ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों हमने मंगाया है एक आलू का पराठा मंगाया है, मतलब आलू प्याज का मिक्स पराठा, स्नेहा खा रही है प्याज का, और इस बच्चे के लिए ये फ़ोन में लगा हुआ है इसलिए मंगाया हमने ब्रेड ऑमलेट मंगाया है, ब्रेड ऑमलेट नहीं था पर ऑमलेट था, तो प्याज वगैरह डबाल के बिना मिर्च के मंगाया है इसके लिए, तो ज़्यादा भूख किसी को लग रही थी। और अच्छा बना रखा है रेस्टोरेंट, बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट मिला है, रेस्टोरेंट बहुत ही कम है मैं बताऊँ इस रूट पर, मतलब रेस्टोरेंट दिख ही नहीं रहे, अचानक ही एक दिखा फिर गाड़ी पैक करके लाया मैं ऐसे, तो अच्छा बना रखा है एक रेस्टोरेंट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, इस टाइम हम बिहार में हैं, बस अभी कुछ टाइम बाद झारखंड शुरू होने वाला है, 2-2.5 घंटे बाद झारखंड में घुस जाएंगे हम। और एक चीज़ बता दूं मैं, यहाँ पे जब से अभी हम सुबह से चले हैं, रात को तो कुछ दिख नहीं रहा था, पर अभी इस टाइम हम देख रहे हैं कि जो आइस एप्पल होता है उसके बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, प्लस नारियल के पेड़ भी कुछ 1-2 पेड़ दिखे, बाकी खजूर के तो है ही है। भैया कि आइस एप्पल बहुत ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे, तो बिहार में शायद बहुत ज़्यादा होते हैं ये आइस एप्पल, इनकी शायद मेरे ख्याल से अल्कोहल वगैरह भी बनती है और उसको फ्रूट के तौर पर खाया भी जाता है। निमृत का आ चुका है ऑमलेट, जो कि बिना मिर्च के मंगवाया था, साथ में उन्होंने सैलड में दे दी ब्रेकफास्ट में, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। नाश्ते में पराठे वगैरह मंगाए हैं तो साथ में सैलड वगैरह भी दे दी है, आमतौर पर नाश्ते में सैलड वगैरह देते नहीं है पर सही है, खाते हैं सैलड, खीरा तो वैसे भी अच्छा होता है सेहत के लिए। ये हमारे यहाँ के गर्मा गर्म आलू प्याज का पराठा, ये आ गया इधर प्याज का, साथ में दही मंगवाया था हमने, अभी चाय भी आ रही है, तो इसे खाते हैं फटाफट, फिनिश करते हैं,
फिर यहाँ से सीधा निकलेंगे हम और झारखंड शुरू होने वाला है। वहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे होने वाले हैं, मज़ा आएगा झारखंड में। चलिए इसे फिनिश करते हैं फटाफट।